कौन होते हो मस्जिद वजीर खान में फिल्में बनाने वाले और चांद टक्या दिखा तेरे अल्लाह के घर की इतनी भी हुरमत की थी दस देंगे बदमाशियां कर दे लबैक का नारा क्यों लगता मस्जिद फिल्म सीन क्यों फिल्माया आप कहते हो जी हमने पाबंदी लगा दी है पहले क्यों किया तुम मस्जिद का आदाब तो पता नहीं सी गल्ला कर दे रैली तो पहले पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया आंदा नहीं होगा जो हुआ उनके खिलाफ पर्चा कर दो एडी वड्डी गुंडा कर दी मस्जिद जड़िया कुड़ियों ने जान वास्ते रह गई और साढ़े बुजुर्ग इस वास्ते कुर्बानियां दीतियां मुड़ के लबैक के खिलाफ जी फलां जगह रैली नहीं निकालने दे रहे तुम्हारे बाप का मुल्क है कोई लाए अपना रूहानी बाप भी जिस्मानी बाप भी कोई लाए जिसने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा लिया हो वो हमारे बुजुर्ग थे वो हमारे बुजुर्ग थे हमसे बड़ा कोई ना मुहिब्बे वतन है ना कोई मुहिब्बे इस्लाम है तो सामने आए खाली आज के रसूल के दावे करना हो रहे हैं और फैजाबाद की ठंडी हवाओं में 21 दिन बैठकर लब्बा का नारा लगाना हो रहा है 8 शहीदों को कांधों पर उठाकर आना हो रहा है 12,000 शल खाकर भी ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगाना हो रहा है तवज्जो असी संगत की खातिर चुप कर गए हो जो कुछ तुसी साडे नाल कीता ते लबैक दे बंदे गिरफ्तार किए असी तो जो तुहाडे कोल हिसाब लेना है मस्जिद में तुसा की कीता चादर और चार दीवारी दा तुसा किवें जनाब तकद्दस पामाल कीता असी बुल्ले कोई नहीं मेरे रब दे कार कोलो डरो असी संगत दी खातिर चुप कर गए हां पर तू समझा मैं ही मैं वा इस वास्ते बिल्कुल कोई किसी की बात नहीं है हमने वही दीन बयान करना है जो रसूलुल्लाह हमें दे कर गए मस्जिद वजीर खान के जितने भी मुतालिक जिन लोग उस साल उसमें शरीक हैं जिन्होंने पैसे लिए इजाजतें दी इधर फूल फेंकने पर दहशतगर्दी के पर्चे इधर फूल फेंकने पर दहशतगर्दी के पर्चे और मस्जिद में नाचने वालों को सिर्फ ये कहकर छोड़ देना कि अंदर नहीं होगा जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है और इंशाल्लाह मस्जिद वजीर खान में मैं अंदर जुमा पढ़ूंगा तो कहते हैं सरकारी मस्जिद है इजाजत नहीं है जुमा पढ़ाने की इजाजत नहीं है पढ़ने की तो है ना हम एक कोने में बैठकर जुमा पढ़ लेंगे और सिर्फ मस्जिद को सलाम करेंगे कि वानल मसाजिद अल्लाह ये मस्जिद अल्लाह की है सिर्फ सलाम करेंगे कि जो बड़े बड़े सैयद दीदार अली शाह साहब यहां जमाते कराते रहे हाँ जी वो बड़े बड़े शेर हजरत सैयद अबुल हसनात कादरी जुमे पढ़ाते रहे सैयद खलील अहमद कादरी जुमे पढ़ाते रहे बड़े बड़े शेर हम दीवारों को कह देंगे वो तो बड़े थे लेकिन हमारे जैसे नालायक उनके वारिस जरूर है इस वास्ते आपने लब्बैक के साथ खड़ा रहना है लब्बैक किसी दहशतगर्दी पर यकीन नहीं तसव्वुर भी नहीं है लेकिन हुजूर के दीन की बात करना दहशतगर्दी है नैब के शीशे टूट जाए नैब की गाड़ियों पर पथराव हो पुलिस पर पथराव हो जाए वहां दहशतगर्दी का पर्चा नहीं लब्बैक वाले मौली खादिम की गाड़ी पर फूल फेंक दे तो दहशतगर्दी का पर्चा इंज नहीं होना इत्थे हुजूर दे दीन दी गल होनी इत्थे मंदर नहीं मिलना
سنو مندر بنانے والے تے تسی وی تے تہاڈے یار وی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء فرمایا ایمان والے میرے دشمنوں نو تے اپنے دشمنوں نو کدی یار نہیں بنانا بس یہی ہے رسول اللہ کے دین کا پیغام ہاتھ کھڑے کرو ذرا دو میں ہاتھ ہیں ذرا نہ مندر بنن گے نہ اسلام کے خلاف کوئی زندگیاں تماشے فلماں چلن گیاں نہ مسجد میں ڈانس ہون گے نہ اتنے غیر شری کوئی کم ہوئے گا اوقاف مسجد چلی جائے تو رب دی مسجد نہیں رہندی اس واسطے انج نہیں ہونا اور جنہیں حرکت کی تھی انہوں نے خلاف پرچہ بھی کٹو راتوں رات جی ہم نے ایکشن لے لیا پتا تھا کل ان کا 14 اگست کا ریلی ہے وہاں کوئی بات نہ ہو جائے بات تو ہونی ہے مسجد وزیر خان نہیں پورے پاکستان کی کسی مسجد میں کسی کو مسجد کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں بالکل ٹھیک ہے بھائی لبیک تو کم کرنا ہے جتھے ہونا ہے لبیک تو بس کم کرنا ہے جیڑا کہ آ جا ان کو ہٹا میری منزل بڑی دور ہے ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا رہے گا جو ہی ان کا بھائی اینج نعرہ لانا ہے چھال مار کے لانا ہے چھال مار کے نعرہ لانا ہے اینج کر کے جیڑا کہ مولانا پڑھیا نا انہیں جانا اس پر چھال مار دی او انہیں جانا او انہیں جانا او انہیں جانا